तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दी गई है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स तो वेरिएबल है लेकिन अल्फा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा भी एक कांस्टेंट वैल्यू थ्रो करेगा, है ना, और कॉस टू अल्फा भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। खैर, तो पहले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको पता होगा कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² θ - 1, होते तो 3 है लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉस के टर्म में ही लगाते हैं, नीचे कॉस की एक्सप्रेशन है। तो ये चीज लिखी जा सकती है 2 cos² (x - 1) एंड माइनस 2 cos² (α - 1) होल अपॉन cos x - cos α, ठीक है, dx। अब देखिए ये माइनस का 1 और ये माइनस इस माइनस 1 को प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन से अगले आपके स्टेप में गायब होंगे, ठीक है। अच्छा, जो बचा वहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन करके हम लोग एकदम बाहर कर देते हैं, तो 2 को हमने बाहर कर दिया यहाँ से। फिर इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह गया, तो ये ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नज़र आनी चाहिए, a² - b², ठीक है। तो ये a की जगह पे कॉस एक्स है और b की जगह पे आपका क्या है, कॉस अल्फा है, ठीक है। तो a² - b², फिर क्या लिख दोगे, इसको फैक्टराइज कर दोगे, a+b और a-b। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कॉस, दैट इज कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। आप हमेशा नए स्टेप में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपका क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। तो चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स और प्लस कॉस ऑफ अल्फा डीएक्स। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स होगा कॉस ऑफ एक्स डीएक्स एंड प्लस का इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ अल्फा डीएक्स हो जाएगा, ठीक। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, नहीं, कॉस अल्फा एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो कॉस अल्फा इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा बाहर, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ गलती मत करिएगा क्योंकि अल्फा कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाहर आ गया तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, एक्स कॉस अल्फा, और फाइनली इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। 2 हो सके तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा आपके पास क्या अवेलेबल है।